नागपुर का एक फाइल रिहायशी इलाका पार्वती नगर, यहाँ पर दो दिन पहले ही एक कोरोना बाधित 22 वर्षीय जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। कई दिनों से 10 दिनों से यहाँ पर एक लंगर चल रहा था और ये जो लंगर है इसमें वो खाना भी परोस रहा था। कई गरीब झुग्गियों के लोग यहाँ पर आते थे और लाइन से लगकर खाना लेते थे और ये जो लंगर है ये बीजेपी के कार्यकर्ता चला रहे थे। आपको एक बात बता दें कि यहाँ के जो विधायक है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जिनके इशारों पर यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा था। कोरोना बाधित जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है वो लड़का सिर्फ 22 वर्ष की आयु का था और आपको एक इसके पीछे का बताने जा रहा है। यही पास में ही इसी बस्ती में एडवोकेट सतीश उके जो कि नागपुर के सब हाई प्रोफाइल एडवोकेट है और कई मामलों में देवेंद्र फडणवीस के विरोध में उन्होंने कई मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेक्शन कोर्ट तक इनके चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आपराधिक मामले थे जिसके खिलाफ एडवोकेट सतीश उके हर बार विरोध दर्ज कर चुके थे। एक्सिस बैंक घोटाले में भी एडवोकेट सतीश उके अच्छी एक भूमिका में थे। देवेंद्र फडणवीस और सतीश उके की जो रंजिश है, आपसी विवाद जो है, जो न्यायपालिका में भी कई बार हमें देखने को मिला है। सूत्रों से भी हमारे कहना है कि यहाँ पर जो लंगर चलाया जा रहा था वो जानबूझकर चलाया जा रहा था कई दिनों से, जिसमें जो बांटने वाले कार्यकर्ता थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम देवेंद्र फडणवीस जी के कहने पर ये लंगर को चला रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी जो खबर आ रही है कि एक लड़के की जो मृत्यु हुई है वो भी इस लंगर में शामिल था और वो भी खाना परोस रहा था। मतलब कई हज़ारों लोगों की जानें अब खतरे में आ चुकी है और यहाँ के खुद विधायक देवेंद्र फडणवीस है और उनके इशारों पर वो लंगर चलाया जा रहा था। बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से कई बार सतीश उके को टारगेट पर रखकर उनको जान से मारने के जो प्रयास कई बार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में रहते हुए पुलिस के द्वारा रचे थे, उसके कई केसेस भी अभी भी कोर्ट में शुरू है। तो ये भी जो षड्यंत्र माना जा रहा है ये भी उसी का एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है कि कोरोना से कहीं ना कहीं इस एरिया को मतलब कोरोना जैसी महामारी से इस एरिया को भी घेरा जाए और कहीं ना कहीं उनको उनके एरिया के लोगों को परेशान किया जाए, ऐसा एक अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ का स्थानिक जिसको किसी भी तरीके की खाने की मतलब लाले नहीं पड़े थे, क्योंकि बस्तियाँ जो थी गरीबों की वो कहीं दूर थी और यहाँ पर लोग जो है वो आम तौर पर अच्छे घराने के लोग थे जिनको लंगर की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी देखना ये है कि इस एरिया को फ़िलहाल तो सील कर दिया है, सैनिटाइज की भी प्रक्रिया कुछ समय में यहाँ पर शुरू हो जाएगी और प्रशासन इस रूप में किस तरह से गंभीर कार्रवाई इस एरिया के जो लंगर बांटने वाले लोग हैं, फिलहाल तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और पूरी तरह से वो फरार है। जितने भी लोग इसमें शामिल थे वो फरार है, कई लोग खुद से होकर यहाँ से क्वारंटाइन के लिए प्रशासन के स्वाधीन हो चुके हैं, कई लोगों को प्रशासन उठाकर ले जा रहा है।